गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मैं हूँ शाइनी और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल लास्ट मिनट मेकअप लुक दिवाली के लिए। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली इज नॉकिंग एट द डोर, बहुत सारे ऑफिस में या फिर कॉलेजेस में दिवाली फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऑफिस और कॉलेज के लिए एक फॉर्मल सा सिंपल सा येट गॉर्जियस मेकअप लुक मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेकअप लुक बिगिनर फ्रेंडली है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ टूल्स भी मेकअप टूल्स भी इस्तेमाल नहीं किया है और जो भी प्रोडक्ट्स है सारे बहुत अफोर्डेबल है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स 100 के नीचे है लेकिन कुछ क्या है 150 के भी है। सारे प्रोडक्ट्स आई स्वेयर 200 के नीचे ही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप शुरू करने से पहले अपने फेस पर टोनर इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर एल्प्स कुनेस का रोज वाटर को एज अ टोनर इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या होता है, आपके पोर्स क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है। आप चाहे तो मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डे टाइम हो या नाइट टाइम मैं हमेशा सनस्क्रीन प्रेफर करती हूँ। और मैं सनस्क्रीन को अपने नेक पर भी अच्छे से अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पर न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट मैंने प्राइमर इस्तेमाल किया है, यह NYB का प्राइमर। प्राइमर आपके फेस को मैटिफाई करता है और आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं उसके क्लोज कर देता है। और ये मैंने एकदम जस्ट 1p साइज अमाउंट लिया है और उससे सिर्फ अपने टी जोन पर मैं अप्लाई करूँगी और फेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है ताकि फाउंडेशन एकदम आपके फेस पर ग्लाइड हो जाए। नेक्स्ट मैंने लैक्मे का फाउंडेशन इस्तेमाल किया है, यह इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन। आप चाहे तो BB क्रीम या CC क्रीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फाउंडेशन शीयर टू मीडियम कवरेज देता है, इसीलिए मैंने इसे अपने फिंगर की मदद से मैं इसे अपने होल फेस पर स्प्रेड करूँगी। उसके बाद मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसे ब्लेंड कर दूँगी। अपने नेक पर भी मैंने इसे अप्लाई किया है। आप चाहे तो इसे ईजिली अपने फिंगर की मदद से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप चाहे तो स्टिपलिंग ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो BB क्रीम को भी अप्लाई कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रोज को शेप करूंगी और उसके लिए मैंने यहाँ पर आईब्रो पेंसिल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो आई शेडो को का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को बिगिनर फ्रेंडली बना रही हूँ, दैट्स वाई मैंने ADS का आईब्रो पेंसिल इस्तेमाल किया है। और एक स्पूली की मदद से मैं प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और मैंने कोई यहाँ पर उतना ज़्यादा लूज पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है, मैं जस्ट लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, सिर्फ अपने अंडर आइज पर और अपने टी जोन पर और अपने नेक पर। यह है LA Colors की आई शेडो पैलेट, जहाँ से मैं ग्लिटरी सा पिंक शेड ले रही हूँ और अपने होल आईलिड पर फिंगर की मदद से ही अप्लाई करूँगी। ये बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक है, दैट्स वाई मैंने कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश या फिर आई शेडो ब्रश इस्तेमाल नहीं किया है। फिंगर की मदद से भी आपको फुल पिगमेंटेशन मिलती है। अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है मैंने गोल्डन शेड से, ये भी मैंने अपने फिंगर की मदद से ही अप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने लैक्मे का इंस्टा लाइनर लिया है इन द शेड ब्लू। आप चाहे तो कोई भी ऐसे डार्क ब्लू कलर ले सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर या गोल्डन कलर ले सकते हैं। और मैंने उससे आईलाइनर ड्रॉ किया है, एक हल्का सा विंग दिया है। और दिवाली है तो दिवाली में कलर्स होना चाहिए, तो अपने जो आई लुक है तो मैंने अपने आई शेडो पर कुछ नहीं किया है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर जो आईलाइनर है वो थोड़ा सा कलरफुल इस्तेमाल किया है। आप ब्लैक के जगह कोई भी आईलाइनर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जो लुक है वही चेंज हो जाएगा। और मैंने उसके बाद मस्कारा अप्लाई किया है, आप चाहे तो फॉल्सीज भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने जैसे कि अपर आईलिड पर मैंने ब्लू कलर अप्लाई किया है, दैट्स वाई अपने लोअर वाटर लाइन को मैंने टाइट लाइन किया है ब्लैक NYB के कोल स्टिक से, इससे ट्रांजिशन अच्छा क्रिएट होता है। मैंने हल्का सा कॉन्टूर किया है और ये जो कॉन्टूर लाइन मैंने क्रिएट किया है उसको मैं थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर रही हूँ ताकि सब कुछ ब्लेंड हो जाए अच्छे से। अपने नोज़ को भी मैंने कॉन्टूर किया है। नेक्स्ट मैं फेवरेट पार्ट मैं करूँगी अपना, ये है ब्लश अप्लाई करना। ये ADS का ब्लश है, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लश, इसमें हल्का सा शिमर है। अगर आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं तो कॉन्टूरिंग को स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट थोड़ा सा ब्लश अप्लाई कीजिए अपने नोज़ पर और अपने चीक्स पर एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद मैंने NYB का न्यू लिपस्टिक अप्लाई किया है, एज बिकॉज मेरे आईज़ पर ऑलरेडी एक ब्राइट कलर है, दैट्स वाई मैं अपने लिप्स को थोड़ा सा न्यूड रखूँगी। मेक श्योर करें कि आप अपने न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करें लिप्स पर, क्योंकि आपके आईज़ में बहुत ज़्यादा कलर है।
होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर आपके ऑफिस फंक्शन में या फिर आपके कॉलेज के दिवाली फंक्शंस में आपने इस लुक को ट्राई किया है तो प्लीज मुझे टैग जरूर करना इंस्टा पर, या फिर मुझे कमेंट करके नीचे बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और ये जो सिंपल सा बिगिनर फ्रेंडली लुक मैंने क्रिएट किया है, ये आप लोगों को कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके पास जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी दबाएं, क्योंकि अपकमिंग बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, स्पेशली व्लॉग्स आने वाले हैं। तो अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, अगर आपको फूड्स पसंद है, तो नेक्स्ट कुछ दिनों में तो बहुत मजा आएगा। सो बेल बटन को हिट कीजिए, बिकॉज बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंजॉय योर दिवाली। बाय बाय।